रिव्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। बॉयफ्रेंड से करवाया पति का कत्ल, थोड़ा हथौड़े से सिर पर हमला और फिर पेट्रोल डालकर जलाया। मध्य प्रदेश से यह खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 दिन पहले हुई ढाबा संचालक की हत्या के मामले में खुलासा हो गया है। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात की साजिश की रची थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका प्रेमी हेमंत फिलहाल फरार है। हेमंत पर ढाबा संचालक पर हथौड़ा से हमला कर उसे फिर जलाने का आरोप है। मामला सरानी का है, जहां पर TI रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि शैलेश साकरे, जो 36 वर्षीय है, ढाबे का संचालक करता था। वही शैलेश सरकारी ढाबे का संचालक, वही हेमंत 32 ईयर्स का, पिछले साल नवम्बर में वहाँ नौकरी करने आया था। इसी दौरान ढाबा मालिक की पत्नी सीमा 30 वर्षीय की उसके करीब बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। शैलेश को ये बात पता चली तो उसके बीच में विवाद होने लगा। इसी बीच सीमा और हेमंत ने साजिश रचकर शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र इटारसी भेज दिया, जहां दोनों ने इस बारे में न तो शैलेश को परिवार को बताया और न ही किसी की सलाह ली और न ही किसी को कुछ उन्हें बताने के लिए कहा। इसी बीच कुछ दिन तक पिता ने कहीं न दिखने पर उसकी बेटी 16 साल की लगातार उनसे मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद शैलेश का नशा मुक्ति केंद्र से वापस लाया गया। अब तक का शैलेश का भी सीमा और हेमंत की साजिश अच्छे से समझ चुके थे। अब वे दोनों पर नजर रखने लगे थे। कुछ दिन पहले शैलेश ने रात 2 बजे हेमंत और सीमा को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद जब विवाद हुआ तो सीमा पति को छोड़कर पहले बैतूल फिर इटार से चली गई। अब वे दोनों प्रेमी हेमंत के साथ पति को रास्ते से हटाने की बात करने लगे थे। हेमंत ने जब इनकार कर दिया तो सीमा ने, अगर तू नहीं मरेगा तो मैं किसके साथ कहाँ रहूंगी, इसलिए उसे मरवा दे, ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर पति से संबंध खराब होने के बाद सीमा अपने प्रेमी के हेमंत के साथ शादी करने का योजना बनाने लगी। सीमा का प्यार का भूत इतना ज्यादा सवार हो गया था कि उसने शैलेश को भी यह कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ, पर हेमंत को नहीं। इधर हेमंत ने अपने प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी माँ और सीमा के साथ शादी करने की बात भी कह दी। दोनों की शादी में शैलेश रोड़ा भी बन गया था। इसी से परेशान होकर सीमा ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए हेमंत से कह दिया। इसके बाद हेमंत ने इस काम की तैयारी में लग गया। वारदात के दौरान हेमंत ने शैलेश को पहले हथौड़े से सिर पर मारा और फिर उसके बाद पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी और अब वो पुलिस के हवाले में है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।